हाय गाइस, वेलकम टू कागेट। आई होप आप सब बढ़िया हो, सेफ हो, आई एम आल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ सस्ते में कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी लेके आओ। तो ले आए हम एसएम मोटर्स का ये प्रोडक्ट है। दिस इज मर्सिडीज सीएलए 200D 2015 मॉडल एंड दिस इज प्राइस एट 14.50 लाख, विच इज नेगोशिएबल ऑन टेबल फॉर द कागेट फैमिली। तो अगर आपको ये गाड़ी में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को थोड़ा आगे तक देख लेना, गाड़ी की सारी डिटेल्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। एंड इफ यू वॉन्ट, इस गाड़ी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी भी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू वॉन्ट दिस कार, डू लेट अस नो। स्टार्ट करते गाड़ी के इंटीरियर से। तो अभी मैं बैठा हूँ मर्सिडीज सीएलए 200D के ड्राइवर सीट पे एंड दिस इज हाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू लुक्स लाइक। अगर कोई भी गाड़ी में बैठते के साथ अगर आपको कुछ ऐसा करके दिखना शुरू हो जाना तो समझ जाना वो मर्सिडीज है, क्योंकि इनके सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट इस टाइप के हमारे को एसी वेंट्स मिल जाते हैं। काफी यूनिक, काफी अच्छे लगते हैं दिखने में। दिस इज हाउ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक। एक बार हम गाड़ी करते हैं ऑन, उसके बाद आपको बाकी सारी डिटेल्स वगैरह बताते हैं। तो यहाँ पे है जो गाड़ी की चाबी इंसर्ट हो जाती है, इसको बस एक बार ऐसे आपको ट्विस्ट करना है एंड द कार इज नाउ ऑन। तो जैसे कि आप देख सकते हो 69,000 किलोमीटर से गाड़ी ड्रिवन है एंड हमारे पास की अवेलेबल है। पेडल शिफ्टर्स भी हैं गाड़ी में, आपको प्लस माइनस करके आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, गाड़ी को डालना है अपने ड्राइविंग मोड पे एंड पेडल शिफ्टर लेके शुरू हो जाना है। वैसे तो आप ऑटोमेटिकली भी गाड़ी को चला सकते हो, बट अगर आपको ये एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, एक मैनुअल गाड़ी का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो दिस इज द मल्टीमीडिया स्क्रीन ऑफ द कार लुक्स लाइक, कुछ ऐसे करके हमारे को दिख जाती है। इसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, यहां से करोगे। तो गाड़ी चलाते हुए कोई डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं, बिकॉज आप सामने देख के गाड़ी चला रहे हो और आपका हाथ यहाँ पे ऐसे करके इसको कंट्रोल कर रहे हो। और दूसरी चीज, आपका ये वाला हाथ जो यूजुअली मैनुअल गाड़ी में गियर डालने में लगता है, ये हाथ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये सब करने का, गाड़ी चलाते हुए रोड पे ध्यान दो तो बेटर है। दिस इज हाउ द मिडिल पैनल ऑफ द कार लुक्स लाइक, कुछ ऐसे करके हमारे को यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह ऐसे करके मिल जाते हैं। नंबर्स वगैरह लिखने, आप मतलब इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम पे किसी भी गाड़ी में नहीं थी, बट मर्सिडीज बीइंग मर्सिडीज सब कुछ डाल रखा है। बाकी कंपैरेटिवली लोग ऑडी और बीएमडब्ल्यू से ज्यादा मर्सिडीज पे इसलिए जाते हैं बिकॉज जो ब्रांड है वो थोड़ा ओल्डर है, थोड़ा पुराना है, तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है कंपैरेटिवली टू दोस टू अदर ब्रांड्स, और सर्विस भी थोड़ी सी चीपर है। मेंटेनेंस वगैरह आप इसकी इजीली कर सकते हो, डीजल में गाड़ी है तो माइलेज भी अच्छी है। इसकी सीट्स आप देख रहे हो कैसी स्पोर्ट्स वाली, बिल्कुल स्पोर्ट फिनिशिंग है। ये सीएलए का एक टच होता है कि इसमें वो बोलते ही ऐसे कि हम आपको स्पोर्ट्स लुक देंगे बिल्कुल गाड़ी का, और इसका वेरिएंट भी स्पोर्ट्स है। तो ये ऊपर हमारे को इसकी ये सनरूफ मिल जाती है। एक बार मैं इसका कर्टन जो है वो ओपन करता हूं, काफी बड़ी सनरूफ हमारे को इसमें मिल रही है एंड ये सिंगल पैनल है। एक बार ये भी ओपन कर ही देता हूं, ओके। सो नाउ द सनरूफ इज ऑल्सो ओपन। ऑब्वियसली आप ये पूरी भी ओपन कर सकते हो पीछे तक, अभी नहीं कर रहे। एंड बस यही एक बटन है, इसको आप प्रेस करके इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। नाउ द सनरूफ इज क्लोज्ड। बाकी इसको भी आपको करना है, आप इजीली यहां से कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंटीरियर जो है ये हल्का क्रीम या लाइट ब्राउन कलर का मैं बोलूंगा, इसके साथ आपको एक ग्रे कलर का टच मिल जाता है और यहाँ पे आपको लाइट ग्रे का भी टच मिल जाता है फ्रंट डैशबोर्ड पे। ऑल इन ऑल बहुत ही सही कलर कॉम्बिनेशन है। सिल्वर तो आपको मिल ही जाएगा, काफी कंफर्ट है, काफी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है इनकेस आपको कुछ रखना है। नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, स्पेस तो हमारे को यहाँ पे भी मिल रही है। इसको आप करके ओपन कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हो, जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हो। सो ऑल इन ऑल दिस इज हाउ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड। एक बार अब गाड़ी के बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के गाड़ी की सारी डिटेल्स वगैरह चेकआउट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं कार के बाहर एंड दिस इज आवर मर्सिडीज सीएलए 200D लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड। ऐसे करके आपको कुछ गाड़ी की शेप मिल जाती है, काफी एक स्पोर्टी शेप मिल रही है इस गाड़ी को। एक बार हम इसके डोर्स की आपको बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके दरवाजे मुझे पर्सनली भी काफी पसंद है, क्योंकि इसके जो दरवाजे है वो है फ्रेमलेस। दोनों आपको खोल के दिखाता हूं एक बार, कंपेयर करना, कंपेयर क्या करना देखना, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये सबसे बहुत एक अच्छी बात इसकी लगती है, पता नहीं अभी होंगे नहीं होंगे, अच्छा चलो गाड़ी बंद है अभी इसलिए मैं इसको नीचे नहीं कर सकता, बट जब ये नीचे जाते हैं और जब दरवाजा खुलता है ना, तो लिटरली बहुत ही एक अच्छी, बहुत यूनिक, एक स्पोर्टी सी फील आती है गाड़ी को। करते हैं इसको बंद। दिस इज हाउ द राइट हैंड साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स लाइक। तो अंदर बैठ के हमने देखा था कुछ 65,000 किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन थी, उस हिसाब से एक बार हम टायर्स की कंडीशन देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप की है, ट्रेड्स जो है वो इजीली विजिबल है एंड 65 के बाद इतना दिखना तो इम्पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से ये चेंज हुआ होगा। चेंज होने के बाद
कुछ 20,000 किलोमीटर चली होगी, तो इजिली 30,000 किलोमीटर आपके पास अभी है। अगर आपको इन टायर्स को यूज करना है तो आप 30,000 किलोमीटर इजिली चला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक बार हम चलते हैं गाड़ी के पीछे, एंड दिस इज हाउ द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स लाइक। तो ऐसे करके आप देख सकते हो पीछे CLA की बैजिंग हमारे को मिल रही है, CDI की बैजिंग मिल रही है, चाबी मैंने आपको अंदर बैठ के दिखाई दी थी, डुअल एग्जॉस्ट है गाड़ी में, ऑल इन ऑल सब कुछ ही है जो आपको चाहिए। एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल भी दिखा देता हूं गाड़ी की कैसी है। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। रोड पे चलते के साथ एक अलग सी यूनिकनेस आ जाती है, एंड मर्सिडीज हो तो ऑब्वियसली लोग घूम के देखते ही हैं, स्पेशली फ्रेमलेस डोर्स वाली मर्सिडीज हो तो और ही आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो ये है मर्सिडीज CLA 200D 2015 मॉडल, सेकेंड ओनर कार है ये। दिस इज प्राइस्ड एट 14.50 लाख, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इफ यू वांट दिस कार डू लेट अस नो, इफ यू वांट एनी अदर कार तो भी हमें बताओ, मैं आपके लिए रोज नई गाड़ी लाने का ट्राई कर रहा हूँ। स्टे ड्यू टू गागेट, बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।